अभी हम शुरू करते हैं आज की टॉपिक रिप्लेसमेंट थेरेपी और इलेक्ट्रोलाइट्स यूज इन रिप्लेसमेंट थेरेपी। इन डिफरेंट एबनॉर्मल कंडीशन लाइक डायरिया वोमिटिंग इलेक्ट्रोलाइट्स इन आवर बॉडी गेट इम्बेलेंस। एबनॉर्मल कंडीशन लाइक डायरिया और वोमिटिंग में हमारे बॉडी से बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइट्स निकल जाता है। ये इलेक्ट्रोलाइट्स फिर इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बेलेंस होता है। ये इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बेलेंस को मेंटेनेंस करने के लिए हम बाहर से कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स एब्जॉर्ब करते हैं और डालते हैं फॉर मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। द मेन पर्पज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन रिप्लेसमेंट थेरेपी इज टू ओवरकम द इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बेलेंस एंड रिस्टोर द कॉम्पोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। मतलब अगर वोमिटिंग और डायरिया में बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स निकल गया तो हम इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेनेंस करने के लिए इम्बेलेंस करने के लिए रिस्टोर करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स को। देयर आर फॉलोइंग थ्री कंपाउंड व्हिच आर यूज इन द मेजर सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या क्या है? मेनली थ्री कंपाउंड है जो मेजर सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स है, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और कैल्शियम ग्लूकोनेट। ये हो गया इलेक्ट्रोलाइट्स। अभी हम बात करेंगे सोडियम क्लोराइड के बारे में फुल डिटेल्स में। सोडियम क्लोराइड Na मोलिकुलर वेट कितना है? 58.44। मोलिकुलर फार्मूला NaCl। साइनोनिम सोडियम क्लोराइड का और कुछ नाम है और दूसरा नाम भी है जो हम बोलते हैं साइनोनिम, जैसे रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं, टेबल सॉल्ट और कॉमन सॉल्ट। ये हो गया सोडियम क्लोराइड। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इस सोडियम क्लोराइड को हम किस तरह से मेकिंग कर सकते हैं और बना सकते हैं। फर्स्टली सोडियम क्लोराइड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस एज वेल एज इट कैन बी प्रिपेयर बाय लेबोरेटरी। सोडियम क्लोराइड को हम नेचुरल सोर्सेस में भी और लेबोरेटरी में भी बना सकते हैं। नेचुरल सोर्सेस में कैसे? नेचुरली इट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम रॉक सॉल्ट एंड सी वाटर, बट फ्रॉम दिस सोर्सेस ऑब्टेन इनिशियली इज इम्प्योर फॉर्म। नेचुरली हम रॉक सॉल्ट और सी वाटर से भी सोडियम क्लोराइड बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही इम्प्योर फॉर्म होता है। द प्योर फॉर्म ऑफ द सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन बाई द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन एवं इवेपोरेशन। फिर अच्छा सॉल्ट पाने के लिए NaCl सोडियम क्लोराइड लेने के लिए हमको इवेपोरेशन और इवेपोरेशन प्रोसेस प्रयोग करना पड़ता है। लेबोरेटरी मेथड, इट कैन बी प्रिपेयर इन लेबोरेटरी इन स्मॉल स्केल इन व्हिच स्ट्रॉन्ग एसिड ACl रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH एंड गिव्स सोडियम क्लोराइड। ACl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड इन स्मॉल रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH गिव्स सोडियम क्लोराइड NaCl। ऐसे एग्जाम में इस यूनिट से बहुत ही बार पूछा जाता है सोडियम क्लोराइड का ऐसे ऑफ सोडियम क्लोराइड और एक ऐसे है कैल्शियम ग्लूकोनेट का। बहुत ही बार पूछा जाता है ये सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम ग्लूकोनेट का ऐसे। तो अभी हम जानते हैं ऐसे पढ़ते हैं। अभी ऐसे पढ़ते हैं अभी सोडियम क्लोराइड का। इट इज बेस्ड ऑन द आर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन। ऐसे ऑफ सोडियम क्लोराइड इज बेस्ड ऑन द आर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन। टाइट्रेशन क्या है? टाइट्रेशन एक टेक्निक है वेयर ए सॉल्यूशन ऑफ अननोन कॉन्सेंट्रेशन हम यूज़ करते हैं
and determine the concentration of unknown solution. Sorry, एक known concentration हम use करते हैं हाँ and determine the concentration of unknown solution. एक technique है जो known concentration मतलब जो जानते हैं solution concentration का वो use करके हम unknown solution का concentration निकालते हैं. इसको हम बोलते हैं titration. प्रोसीजर ऐसे सोडियम क्लोराइड का प्रोसीजर क्या है ऐसे का ऐसे बहुत ही इम्पोर्टेंट है सोडियम क्लोराइड का. इधर से दो ही ऐसे पूछे जाते हैं सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम ग्लूकोनेट का. तो पहले पढ़ते हैं सोडियम क्लोराइड का प्रोसीजर. वेट 1 ग्राम ऑफ सैंपल एंड डिजोल्व इट इन 50 ml वाटर. मतलब 1 ग्राम सैंपल वेट करके हम उसको डिजोल्व करेंगे 50 ml वाटर में. नाउ ऐड 50 ml ऑफ 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट. अभी हम 50 ml ऑफ 1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे. टू दिस ऐड 5 ml ऑफ 2 मोलर नाइट्रिक एसिड एंड 2 ml ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4. नाउ शेक दिस एंड टाइट्रेट विथ 0.1 मोलर एमोनियम थायोसाइनाइड एंड यूजिंग 2 ml फेरिक्स एमोनियम सल्फेट एस इंडिकेटर. शेक दिस एंड टाइट्रेट. शेक करेंगे इसको. अब हम टाइट्रेट करेंगे 0.1 मोलर एमोनियम थायोसाइनाइड यूजिंग 2 ml ऑफ फेरिक एमोनियम सल्फेट एस इंडिकेटर. फेरिक एमोनियम सल्फेट इंडिकेटर के लिए यूज करेंगे. नाउ टाइट्रेट कॉन्टिन्यूस अंटिल द रेडिश ब्राउन कलर अपेरेंस. टाइट जब तक रेडिश ब्राउन कलर नहीं आएगा तब तक हम इसको टाइटर करते रहेंगे. ये हो गया सोडियम क्लोराइड का. अब आते हैं पोटेशियम क्लोराइड. पोटेशियम क्लोराइड में क्या है मोलेकुलर फॉर्मूला है KCl. मोलेकुलर वेट 74.55. साइनोनिम क्या है पोटेशियम मोरिएट. प्रिपरेशन पोटेशियम क्लोराइड का प्रिपरेशन. इट कैन बी ऑब्टेन बाय सेपरेटिंग सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ इट इज मिनरल लाइक कार्नालाइट KCl MgCl2 एंड 6H2O. इन लेबोरेटरी इट कैन बी ऑब्टेन बाय रिएक्टिंग पोटेशियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड K2CO3 2HCl KCl. लेबोरेटरी में हम इसको लेबोरेटरी में हम पोटेशियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करके पोटेशियम क्लोराइड प्रोड्यूस कर सकते हैं. अभी नेक्स्ट आते हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये एक सोडियम क्लोराइड और एक कैल्शियम ग्लूकोनेट. बहुत ही बार पूछा जाता है इन दोनों का एसे एसे ऑफ राइट एनोटॉन एसे ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट और राइट एनोटॉन एसे ऑफ सोडियम क्लोराइड. अभी बात करते हैं हम कैल्शियम ग्लूकोनेट. तो कैल्शियम ग्लूकोनेट इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है C12H22O14CaH2O. मोलिकुलर वेट कितना है 430.7373. साइनोनिम कैल्शियम सॉल्ट डी ग्लूकोनिक एसिड. साइनोनिम मतलब और एक और क्या का नाम है इसका मतलब कैल्शियम ग्लूकोनेट का और क्या क्या नाम है. प्रिपरेशन इसको हम किससे प्रिपेयर कर सकते हैं. कैल्शियम ग्लूकोनेट इज प्रिपेयर बाय बॉइलिंग द सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोनिक एसिड. मतलब ग्लूकोनिक विथ एक्सेसिव ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. ग्लूकोनिक एसिड को हम बॉइलिंग करके हाँ और एक्सेसिव कैल्शियम कार्बोनेट मिक्स करके हम कैल्शियम ग्लूकोनेट बना सकते हैं. ये हो गया ग्लूकोनिक एसिड को हम कैल्शियम कार्बोनेट एक्सेसिव बॉयल करके कैल्शियम ग्लूकोनेट रेडी कर सकते हैं. इसका मेन है ऐसे कैल्शियम ग्लूकोनेट का इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऐसे. अभी बात करते हैं ऐसे के बारे में. ऐसे ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट इज बेस्ड ऑन द कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन. ये बेस्ड है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन. टाइट्रेशन क्या है मैंने पहले बोल दिया. ए टेक्निक वेयर ए सॉल्यूशन ऑफ अननोन सॉरी ए वेयर ए टेक्निक वेयर ए सॉल्यूशन ऑफ नोन कॉन्सेंट्रेशन इज बेस्ड एंड डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन. ये हो गया टाइट्रेशन. प्रोसीजर
क्या क्या करना पड़ेगा, पहले वेट 0.5 ग्राम ऑफ सैंपल एंड डिजॉल्व इन 50 ml विथ और मोटर। 0.5 ग्राम सैंपल वेट करके 50 ml और मोटर में मिक्स करना पड़ेगा। नाउ एट 50 ml ऑफ 0.05 m मैग्नीशियम सल्फेट एंड 10 ml स्ट्रॉन्ग एमोनियम सोल्यूशन। द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज टाइटेटेड अगेंस्ट 0.0 m डाइसोडियम ETA until deep brown color is developed। कैल्शियम ग्लूकोनेट को पहले ना 0.5 ग्राम सैंपल और 50 ml ऑन मोटल देंगे। नाउ एट 50 ml 0.5 मैग्नीशियम सल्फेट एंड 10 ml ऑफ स्ट्रॉन्ग एमोनिया सोल्यूशन। रिजल्ट सोल्यूशन को हम टाइटेट करेंगे अगेंस्ट 0.5 ml सोडियम एटी अंटिल द डीप ब्लू कलर डेवलप। जब तक डीप ब्लू कलर डेवलप नहीं होगा तब तक हम टाइटेशन करेंगे किससे, 0.05 ml डाइसोडियम एटी ए। यूजेस, ए यूजेस क्या है, इट इज़ यूज एज इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसर, यूज इन कैल्शियम डिफिशेंसी, प्ले वाइटल रोल इन द बोन बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट। ए हो गया क्या, ए हो गया क्या, कैल्शियम ग्लूकोनेट। और एक आयन है ORS, बहुत ही बार 2 मास का और 5 मास का भी पूछा जाता है ORS क्या है और इसका कॉमन फॉर्मूला फॉर प्रिपेयर क्या है। तो ORS अभी बात कर रहे थे ORS के बारे में। ORS का फुल फॉर्म है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ओरल रिहाइड्रेशन थेरापी, ORTP बोलते हैं इसको। इट इज़ ए टाइप ऑफ फ्लूइड रिप्लेसमेंट यूज मेनली इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑकवर्स ड्यू टू द डायरिया। डायरिया में बहुत सारा बॉडी के अंदर में फ्लूइड लॉस होता है, इसलिए ORS हम यूज करते हैं। ORS ड्रिंक कंटेन द मेन एलिमेंट दैट आर लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी ड्यूरिंग डायरिया। ORS ड्रिंक कंटेन करता है मेन एलिमेंट दैट आर लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी फ्रॉम डायरिया। डायरिया और वोमिटिंग में बॉडी में जो जो इलेक्ट्रोलाइट्स निकल जाता है वो सब को रेगुलेट और मेंटेनेंस करने के लिए मेनली हम ORS ड्रिंक पीते हैं और यूज़ करते हैं। कॉमन फार्मूला फॉर प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ ORS, एक कॉमन फार्मूला है जो 1 लीटर ORS प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या डालना पड़ता है वह देखेंगे। इंग्रेडिएंट, सोडियम क्लोराइड डालेंगे 1 ग्राम, पोटेशियम, ए है 1 लीटर ORS के लिए पोटेशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम, सोडियम बाइकार्बोनेट 1.5 ग्राम, सोडियम साइट्रेट कॉमन फार्मूला में नहीं डालने से भी चलेगा, एनहाइड्रियस ग्लूकोज 36.4 ग्राम, ग्लूकोज डालना पड़ेगा 40 ग्राम, प्योर वाटर मेक 1 लीटर, मेक अप द वॉल्यूम इन 1 लीटर। ये हो गया कॉमन फार्मूला पर 1 लीटर ORS बनाने के लिए। आज की वीडियो इधर ही मेरा से ख़त्म हो गया, इलेक्ट्रोलाइट यूज इन रिप्लेसमेंट थेरेपी यही हो गया समाप्त। ORS बहुत बार पूछा जाता है 2 और 5 मास के लिए, ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इधर से दो ऐसे है, ऐसे ऑफ सोडियम क्लोराइड और ऐसे ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट, ऐसे ऑफ सोडियम क्लोराइड और ऐसे ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट, ये दो इम्पोर्टेंट है। और एक जो है ORS, ये 2 और 5 मास के लिए भी पूछा जाता है, तो अच्छे से एक बार देख लो। ORS इसका फुल फॉर्म ORS सॉल्ट और ORS थेरेपी बोलते हैं। इट इज अ पॉली फ्लूइड स्प्रेड मेनली यूज इन डायरिया। जब डायरिया में बॉडी से निकल जाता है बहुत सारा फ्लूइड तब ये काम करता है। एक लीटर ORS बनाने के लिए मेनली हमको क्या क्या डालना पड़ता है ये भी हमने बोल दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस, बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल मीन्स बॉडी के अंदर एसिड बेस बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस बॉडी के अंदर क्या क्या काम करता है ये हम वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।